हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएसडीएम राइडर 9044 में। आप लोग क्वेश्चन आपके खुशी बढ़ाने के लिए हम फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए एक न्यू बाइक नए वीडियो के साथ में। जो हमारे साथ आज बाइक खड़ी हुई, हमारी बाइक ये रही। तो आज हम इस बाइक के बारे में बात करेंगे जो कि ओरा ग्रीन जो है हमारे पास बाइक खड़ी हुई है, और जो है ये बजाज की जो सबसे सुपर डुपर हिट बाइक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमिनार 400 cc। जो बाइक हमारी जो है ये काफ़ी एग्रेसिव और जो काफ़ी हाईवे और बल्कि जो है इसको बनाया गया है और राइडिंग मोड के लिए ही बनाया गया है। अगर हम राइडर के लिए इसको दिया हुआ है, हम बात करते हैं आगे के लुक की। आप देख सकते हैं इसका आगे का लुक जो है, मतलब दिखने में जो ट्रांसफार्मर लुक की तरह नज़र आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो मतलब ये दो आँखें नज़र आती हैं ऐसा लगता है। और ये यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा जो आगे का दे रखा है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट टाइम में दे हुआ, लेकिन ये फाइबर दे रखा है यहाँ पे। और ये हमारी जो है लाइट यहाँ पे दे रखी है, जो अगर लाइट की बात करते हैं तो LED वाली लाइट हमें दे रखी है यहाँ पे दोनों साइड में। और मैं थोड़ा सा बाइक अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, एक बार चाबी ऑन करता हूँ तो मैं उसकी लाइट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारी लाइट जली हुई है जब बाइक हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मेन लाइट हमारी तभी जलेगी। जो बात करते हैं हमके जो इंडिकेटर के, राइट लेफ्ट के जो है LED इंडिकेटर हमें दे रखे हैं येलो कलर में दोनों साइड के। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड के जो है इंडिकेटर के, तो इंडिकेटर जो दो हमें ये ठंडियों में सबसे ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर प्लेट के लिए हमें यहाँ पे दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़र आता है। और बात करते हैं इसके जो है इसमें सस्पेंशन, किसके सस्पेंशन आप देख सकते हैं अपसेट डाउन वाले सस्पेंशन दे रखे हैं, मतलब काफ़ी हाईवी और बल्कि यहाँ पे दे रखे हैं दिखने में, जो कि काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं यहाँ पे। और बात करते हैं इसके जो आगे का जो है मिरर गार्ड, आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का और जो है ग्रीन कलर में यहाँ पे दे रखे हैं। और डिस्क ब्रेक जो हमारी आगे की दे रखी है वो काफ़ी हाईवी और बल्कि यहाँ पे डिस्क ब्रेक नज़र आती है। और ये जो है हमारी जो डिस्क ब्रेक आगे की बात करते हैं, डबल चैनल ABS के सामने आती है, मतलब जो है काफ़ी हाईवी दे रखी है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है। और इसके टायर साइज़ की हम आगे की बात करते हैं, इसका जो टायर साइज़ है हमारा वो इसका टायर आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है 110/70/17 का यहाँ पे दे रखा है। जो अलॉय व्हील हमारा दे रखा है ये 17 इंच का यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा हम इस साइड में आ जाते हैं, इसको टंकी आपको दिखा देते हैं। इसके जो है टंकी आप देख सकते हैं ये हमारी जो है ग्रीन कलर और ब्लैक कलर में कॉम्बिनेशन दे रखा है यहाँ पे। ये डोमिनार की ब्रांडिंग दे रखी है। अगर हम बात करते हैं इसके टैंक की, ये 13 लीटर टैंक के साथ में आती है और E20 के साथ में आती है। अगर बाइक को हम अगर राइड करते हैं तो अगर बात करते हैं इसके माइलेज की, इसका जो माइलेज है लगभग हमें 30 का माइलेज मिलने वाला है, इससे ज़्यादा ये माइलेज नहीं देगी। अगर हम जो है अगर 13 लीटर फ्यूल डलाते हैं तो अगर 30 का देगी लगभग 400 किलोमीटर हमारी बाइक जो है ये चली जाएगी। और यहाँ पे जो है मतलब टैंक की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो लेग गार्ड दिए हुए हैं दोनों साइड के आप देख सकते हैं, हमारे जो है लेफ्ट साइड का जो है दे रखा है काफ़ी हाईवी और बल्कि दे रखा है। अगर हमारी बाइक गिरती है तो टंकी में जो है नाक के बराबर स्क्रेच आएंगे, हो सकता है इसमें थोड़ा सा स्क्रेच आ सकते हैं या शीशा टूट सकता है, ये हो सकता है। बाकी जो है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ इसमें दे रखा है। और यहाँ पे हम इसके इंजन की बात करते हैं, इसका जो इंजन हमें दे रखा है लगभग 400 cc यानी 373.33 का दे रखा है इसका इंजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे गियर बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे 6 गियर के साथ में हमारी बाइक आती है। और ये लिक्विड कूल इंजन के साथ में हमारी बाइक आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विड कूल सिस्टम यहाँ पे दे रखा है। अगर बाइक हम जो है लंबा टूर ले जाते हैं तो हमारी बाइक में हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और जो इसका माइलेज है वो लगभग 30 का मिलने वाला है। अगर हम बाइक को राइड करते हैं तो कीचड़ उचड़ से बचाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इंजन गार्ड यहाँ पे दे रखा है, ये चीज़ें मेंशन कर रखी हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी और जो है एग्रेसिव नज़र आती है यहाँ पे। और बात करते हैं इसके थोड़ा हम सीट इसकी आप देख सकते हैं 800 mm की सीट हमें दे रखी है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा बैठ के आपको दिखाता हूँ तो मेरी हाइट लगभग 5-8 के आसपास है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी बाइक, मतलब मेरे जो पैर हैं पूरे पहुँच जाते हैं बाइक, और जो है काफ़ी अच्छी नज़र आती है इस लुक में। हमें बहुत ही बाइक पसंद है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा नज़र आता है इसमें। तो ये बाइक इसमें दे रखी है, देखिए ये पिलियंस के लिए यहाँ पे दे रखा है, ये राइडर के लिए यहाँ पे दे रखा है। पीछे जो फुटरेज आप देख सकते हैं, ये फुटरेज जो है पिलियंस के लिए दे रखा है यहाँ पे, और ये राइडिंग फुटरेज यहाँ पे दे रखा है। और पीछे की हम बात करते हैं, पीछे अगर जैसे हम लंबा सफ़र करते हैं, जैसे कि हम अलग से कुछ मॉडिफाइड कराते हैं, तो ये मॉडिफाइड कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मॉडिफाइड ही आती है। और यहाँ पे देखिए अगर हम सामान बांधना चाहें तो इस पर हम बांध सकते हैं। और पीछे अगर क्लियर बैठा है तो ये जो है रबड़ का दे रखा है,
तो पीछे जो हमारी कमर दर्द करने लगती है वो कमर हमारी अब दर्द नहीं करेगी, इस चीज़ को यहाँ पे दे रखा है। और पीछे को जो आप देख सकते हैं लुक हमारा जो है लेडी इंडिकेटर दोनों साइड के भी दे रखे हैं। पीछे हमारा ये रिफ्लेक्टर है और ये हमारा जो आप देख सकते हैं ये टेल लाइट है। मैं थोड़ा सा जो है चाबी ऑन करता हूँ तो टेल लाइट आपको दिखा देता हूँ इसकी जो है, ये हमारी टेल लाइट आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रेक पे पैर रखता हूँ तो इसकी थोड़ी सी लाइट जो है हाई हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती, ये देखिए ना के बराबर होती है। लेकिन जब बाइक को राइड करेंगे तो पीछे जो हमारे जो आ रहे हैं गाड़ी में दिखाई दे, इस वजह से इसको दे रखा है। हम पीछे का जो है टायर की बात करते हैं, पीछे का टायर आप देख सकते हैं 160/60/17 का दे रखा है। जो एलाई व्हील का साइज है वो 17 इंच का दे रखा है। और पीछे की जो है डिस्क ब्रेक की बात करते हैं, 230 mm का यहाँ पे दे रखा है, ये चीज़ इसमें दे रखी है। और पीछे का जो है डिस्क ब्रेक ऑयल के लिए हमें यहाँ पे ये चीज़ें दे रखी हैं। बात करते हैं इसके एग्जॉक्स की, इसका एग्जॉक्स आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी हाई भी और बल्कि नज़र आता है यहाँ पे दिखने में। ये पूरा मेटल दे रखा है यहाँ पे, काफ़ी मजबूत दे रखा है यहाँ पे। और ये ऐसा नज़र आता है कि ये दो पार्ट में दे रखा है, ये दो पार्ट में है भी है। मतलब ये जब हम बाइक राइड करेंगे तो इसका जो एग्जॉक्स की आवाज़ है वो काफ़ी हाई भी आवाज़ आपको इसमें सुनाई देगी। बात करते हैं यहाँ पे जो राइट साइड में ये रिफ्लेक्टर हमारे दे रखे हैं, और ये हमें जो दे रखे हैं ये डी के जो है ब्रांडिंग डोमिनार की जो है डी ब्रांडिंग और 400 cc। और यहाँ पे जो हमारा कलर देख रहे थे ना, मतलब ये कलर भी काफ़ी हाईवी और अच्छा नज़र आता है। और बात करते हैं पीछे की सस्पेंशन की, आप पीछे का सस्पेंशन देख सकते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन दे रखा है यहाँ पे, ये काफ़ी हाईवी और ये एडजस्टेबल वाला जो है सस्पेंशन दे रखा है। अगर बाइक को हम थोड़ा सा मतलब सीट को थोड़ा नीचे करना चाहें तो सीट हमारी जो है नीचे भी हो जाएगी, और थोड़ा ऊपर करना चाहें वो भी हमारी जो है सीट ऊपर भी हो जाएगी। बात करते हैं इसका जो है आगे का जो आपका हैंडल बार की बात करते हैं, तो इसका हैंडल बार आप देख सकते हैं, ये देखिए हैंडल बार काफ़ी हाई भी और बल्कि नज़र आता है यहाँ पे जो है। बात करते हैं यहाँ के जो है दोनों, ये देखिए मिरर जो हमारे दोनों साइड के दिए हुए हैं राइट और लेफ्ट के, काफ़ी हाई भी और बल्कि दिए हुए हैं। जो पीछे का दिखाई देगा लुक काफ़ी अच्छा नज़र आएगा यहाँ फाइलो बीम पास, और ये हमारा इंडिकेटर के लिए दे रखा है राइट और लेफ्ट के लिए। और इसका जो हॉर्न की बात करते हैं, मैं एक बार अगर चाबी ऑन करके आपको इसकी आवाज़ एक बार सुना देता हूँ, तो काफ़ी हाई भी है मतलब सिंगल हॉर्न के साथ में हमारी ये बाइक आती है। तो मैं यहाँ से जो है हॉर्न की आवाज़ आपको एक बार सुना देता हूँ, ये देखिए मतलब काफ़ी हाई भी इसकी आवाज़ है। तो मैं यहाँ से बाइक थोड़ा बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे दे रखा है। अगर इंजन को हम जैसे हमारी बाइक स्टार्ट है तो यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। हमारा जो है इलेक्ट्रिक स्टार्ट यहाँ पे दे रखा है, और ये यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन लाइट हम अगर ऑन करेंगे तो ये हमारी DRL लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे दे रखा है। और ये आप देख सकते हैं जो हमारा जो मतलब बात करते हैं डिस्क ब्रेक ऑयल के लिए यहाँ पे दे रखा है। अगर हम बाइक को राइड करते हैं तो इस चीज़ का थोड़ा खास ख्याल हमें रखना पड़ेगा। हम अगर आपको इसकी एक बार बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, अगर मैं इसकी डिस्प्ले आपको दिखाता हूँ, इसकी डिस्प्ले काफ़ी प्यारी है और दो जगह मतलब डिस्प्ले दी हुई है जो कि दो अलग अलग पार्टों में दे रखी है। तो मैं यहाँ से एक बार शादी आपको ऑन करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये हमारी डिस्प्ले है, आपको ये नज़र आ रही है डिस्प्ले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ इसमें दे रखा है, ये हमारी डिस्प्ले पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है हमें नज़र आती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ हमें यहाँ पे जो टाइम के लिए यहाँ पे दे रखा है, बाइक हम ये गियर शिफ्टिंग के लिए दे रखा। अगर यहाँ से हम मोड थोड़ा चेंज करते हैं तो आपको दिखाते हैं, ये ट्रिप 1 ट्रिप 2 ट्रिप 3 यहाँ पर दे रखा है। तो ये टाइम जो है हमें थोड़ा सा झुक कर देखना पड़ेगा, अगर टाइम जो है हम अगर यहाँ पे दे देते तो शायद हमें ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ठीक करते हैं यहाँ पे जो है चार्जिंग की, अगर चार्जिंग की बात करते हैं, अगर हमारे मोबाइल में जो है बैटरी नहीं है तो बैटरी को चार्ज करने के लिए USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम जो है USB चार्जर अपने पास रखते हैं मोबाइल चार्ज करने में हमें दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ें इतनी दी हुई है। तो हम यहाँ से बाइक बंद कर देते हैं, ये चीज़ें इतनी दे रखी हैं। तो अगर इसमें जो है कुछ भी रह गया हो तो हमें आप ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये बाइक आप परचेस करना चाहते हैं तो ये बाइक जो है आप जो है JPS आलमबाग शोरूम आके यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और अगर मैं इसका यहाँ के नंबर की बात करता हूँ, मैं डिस्प्ले पे आपको यहाँ का नंबर दे दूँगा, तो वहाँ से आप नंबर निकाल के कॉल करके संपर्क करके बात करके यहाँ पे आके रिव्यू राइड दोनों लेके आप जो है बाइक को परचेस कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सांस